किया भैया ने, वो आज के दिन भी इतना लेट है। और मांगो दुआएं अपने भाई को डॉक्टर बनाने की, अब वो अपना फर्ज निभा करेगा। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ भैया। डॉक्टर साहब अब ठीक तो है ना? थैंक गॉड तुम्हारी सारी रिपोर्ट ठीक है और तुम बिल्कुल ठीक हो। अब थोड़ी देर में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, घर जाना और अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाना, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं। लो, मेरी भी छोटी बहन का फोन आ गया। भैया, कहाँ रह गए आप? मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ और कितना टाइम लगेगा? क्या आप भूल गए कि आज रक्षाबंधन है? अरे गुड़िया, मैं कैसे भूल सकता हूँ आज को? मुझे पता है आज रक्षाबंधन, अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए प्यारा सा गिफ्ट देगा। बस मैं यूं निकला और यूं आया। का तो काफी खून बह गया है, इसे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। अरे भाई लोग, ये पुलिस केस बन जाता है, चक्करों में पड़ रहे हो। इधर तो देखो मेरे भाई, ये तो हिंदू है। देख भाई देख, क्या आप लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है जो इस तरह से बोल रहे हैं? हिंदू मुसलमान ना देखते हुए पहले यह एक इंसान है और हमारा फर्ज है इसकी जान बचाए इंसानियत के नाते। भाई लोगों, ये तो खुद एक डॉक्टर हैं, ये तो खुद लोगों की जान बचाते हैं, ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं। जल्दी करो, इन गाड़ी निकालो और इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। अगर आप आज 5 मिनट भी लेट जाते ना जाने क्या हो जाता। भैया 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 भैया, अगर आपको कुछ हो जाता तो सारी गलती मेरी है, मैंने ही आपको जल्दी आने के लिए बोला था। बेटा तू ठीक तो है, तुझे मेरी उम्र भी लग गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक। और पगली, तू क्यों रो रही है? तू क्यों अपने पर ब्लेम ले रही है? जो होता है अच्छे के लिए। अब ला राखी, ला और राखी बांध, वैसे टाइम निकला जा रहा है, रोना बंद कर, वैसे बहुत लेट हो गए हम। थैंक यू भैया, लाख लाख शुक्र है भैया ऊपर वाले का कि आप ठीक हो। गुड़िया, शुक्र अदा करना है तो इन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे सही टाइम पर अस्पताल लाके मेरी जान बचाई। भैया आपका लाख लाख शुक्रिया, ये तो हमारा फर्ज है। मैं लाइए भैया, मैं आपके भी राखी बांधती हूं। लाओ बहन, हमारे भी राखी बांधो। आज ये त्योहार भाई बहन की रक्षा का ही नहीं बल्कि मानवता की रक्षा का, धर्म की रक्षा का और कर्म की रक्षा का भी, जो आप लोगों ने बखूबी निभाया है। और हम सब
लोगों को इस रास्ते पे चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की नफरत को मिटाना है और देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद। जय हिंद।